नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलेशन पर। आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीख है, आज है 19 अप्रैल। और 19 अप्रैल का मतलब क्या है आप लोग जानते तो हो ही ऑलरेडी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं अभी भी आप लोग के मन में, तो सारे सवालों के जवाब देंगे। एक तो पहली बात, तो स्टेटस आप लोग का नहीं खुला, मैं लगातार देख पा रहा हूँ कि स्टेटस नहीं खुला, तो उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं आप वो मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो जो है कि अब करेक्शन सुधार जो भी बोलने, आज 19 अप्रैल है, उसका आज आखिरी मौका है, तो उसमें बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ओबीसी के जो छात्र हैं जिनका भाई मेरिट की वजह से पैसा नहीं आया, छात्रवृत्ति नहीं आई, उनको लेकर मांग तेज हुई और ये मांग किसने रखी और क्या उस मांग में क्या बोला गया, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दो न्यूज़ आर्टिकल होंगी और बाकी जो सवाल है आपके वो सारे हम लोग इसमें जवाब देखेंगे उनके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस चैनल पर आपके लिए कि पूरी रिसर्च करके ऑथेंटिक और जेन्यून जो अपडेट्स होती है मैं वही लाने की कोशिश करता हूं। सो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके एटलीस्ट आप मुझे अपना मतलब सपोर्ट ही दिखा सकते हो, और मैं कोशिश तो करता हूं आपके लिए कि सही अपडेट्स लाऊं। तो चलिए चलते हैं अब लाइन से, चीजें हम लोग देखते हैं जो भी है क्या है कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए ये वाला आप लोग न्यूज़ पढ़ लीजिए यहीं पर, वैसे तो हालांकि ये चीज़ें आपको मालूम है। तो वाराणसी से अपडेट आ रही है, 10,000 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, पढ़ाई की राह होगी आसान। ये कब की है आप लोग देख भी सकते हो, आज रात में मतलब 1 बजे करीब की है, वाराणसी से आ रही है। तो ये बेसिकली वाराणसी से लिखा क्या है बेसिकली कि जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले छात्र हैं उनके लिए ही है। वही बात है कि पोर्टल भी आपको मालूम है कि SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ही खोला गया है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि जो वाराणसी है वहाँ के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले 11वीं 12वीं के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता जो है कि साफ हो गया। 10,000 छात्रों के आवेदन मतलब पेंडिंग रह गए थे, अब शासन उन्हें एक और मौका दिया, ऐसे छात्र 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। और आज आपको मालूम है कि 19 अप्रैल है, आज आखिरी डेट है उसी चीज की, इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि आज 19 अप्रैल है, आज 12 बजे पोर्टल भी बंद हो जाएगा। छात्रवृत्ति मिलने से उनको आगे पढ़ाई की राह आसान हो जाएगी। ये भले आप वाराणसी की देख पा रहे हो लेकिन ये सभी जगह पूरे यूपी में अवेलेबल है, ये वाराणसी की है इसलिए मैं वाराणसी की आपको दिखा रहा हूँ, बस एक रेफरेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ, है सभी जिलों के लिए। तो 19 अप्रैल है आज, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ कि विभिन्न जो है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से अलग अलग कक्षावार छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है उसके बारे में बताया गया, लेकिन 10,000 करीब में जो आवेदन लंबित रह गए थे तो उनके लिए आज जो है कि आखिरी मौका है, आज आखिरी डेट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब छात्रों के पास केवल 19 अप्रैल तक का मौका है, मतलब आज लास्ट डेट है। अब ये लास्ट डेट है क्या वो पूरा समझिए, 17 से लेकर पोर्टल खुला हुआ था, 17, 18 और 19, ये मैंने आपको 17 तारीख की सुबह वाली वीडियो में ही बता दिया था, जो कि ताकि मैं आपको पूरा टाइम देना चाहता था इसलिए सुबह ही बता दिया था 17 को। तो आज 19 तारीख आज आखिरी दिन है इसी पोर्टल को। अब सवाल ये है कि सर पोर्टल तो नहीं खुला, आप लोग खोलते हो तो नहीं खुला आप यही बोल रहे हो, तो मैंने आपको बताया भी था उस वीडियो में भी और यहाँ भी बताऊँगा आपको कि जो ये पोर्टल खोला गया ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं खोला गया है, ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज विद्यालय जिसमें पढ़ते हो उनके लिए खोला गया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए, आपके लिए नहीं खोला गया। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आप न्यू आवेदन नहीं कर सकते और अपनी तरफ से आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते, जो भी करेगा सिर्फ आपका कॉलेज और विश्वविद्यालय करेगा, क्योंकि ये पोर्टल सिर्फ उन्हीं के लिए खोला गया है ताकि वो लोग अगर आपका कोई सुधार करना हो, जैसे क्या सुधार मैं बताता हूँ आपको, एक तो जैसे मान लो कुछ छात्रों का अटेंडेंस कम भेज दिया गया होगा तो रिजेक्ट हो गया होगा तो कॉलेज क्या कर सकता है, ऐसे केस में वो आपका अटेंडेंस सही करके दोबारा से भेज दे। दूसरा काम कॉलेज क्या कर सकता है कि आपका डेटा जो ऑनलाइन सत्यापित नहीं सत्यापित वाला है आपका उसको फॉरवर्ड कर दे ताकि यूनिवर्सिटी सत्यापित करा ले, मतलब यूनिवर्सिटी डेटा अपलोड कर सके। दूसरा काम ये हो गया, मतलब आप समझ रहे हो ना, जिनका सत्यापित नहीं के कारण रिजेक्ट हुआ था उनके लिए। तीसरा काम ये हो गया कि जिनका मान लो कॉलेज ने आपके या स्कूल ने जो है कि फॉरवर्ड ही नहीं किया, मतलब आपने फॉर्म तो ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया था समाज कल्याण की तरफ, तो ये काम कर सकते हैं। तो ये तीन काम है, या फिर मार्क्स से रिलेटेड हो गया कि उन्होंने मार्क्स नहीं आपके मतलब फिल किए होंगे, मतलब जो काम कॉलेज या विश्वविद्यालय या इनके लेवल पे जो पेंडिंग होगा वही काम हो सकते हैं, उन्हीं के लिए ही पोर्टल खुला है, ये आपके लिए नहीं खुला, ये बात आपको क्लियर समझ लेनी है। और ये यहाँ पर आपको लिखी भी है, आप लोग यहाँ पर एक देख लो, इस नोटिस में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि समस्त छात्रों को सूचित किया था कि 17 अप्रैल 23 से 19 अप्रैल 23 तक छात्रवृत्ति संशोधन हेतु पोर्टल ओपन हो रहा है, जिस किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति में कोई भी करेक्शन होना है तो वह 17 तारीख से 19 तारीख तक कॉलेज से संपर्क करे, कॉलेज में संपर्क करे, कॉलेज से ही आपको कांटेक्ट करना है क्योंकि आपके लिए पोर्टल नहीं खुला है, तो आपका मतलब कोई भी प्रयास करना बेकार है। तो आज 19 तारीख ऑलरेडी हो गई, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आज तुरंत के तुरंत जाकर उनसे बात करो और उनको नोटिस दिखाओ। ये वो नोटिस है जिसके मैं बात कर रहा था आपको, ये समाज कल्याण द्वारा जारी किया हुआ, इसी में सारी तारीख और ये लिखी हुई, अगर आपका कॉलेज नहीं भी मान रहा तो इनको आप ये नोटिस दिखा सकते हो। ये नोटिस आपको मालूम है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है कि इसको ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना, चैनल का नाम सर्च करके जुड़ सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट क्लिक करके पहुँच जाओगे। तो इस नोटिस में देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना
जो कि गलत लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन कर नहीं सकते हो, तो ये क्यों लिखा गया पता नहीं, क्योंकि पोर्टल तो छात्रों के लिए खुला नहीं। अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना, पात्र छात्रों का ऑनलाइन आवेदन जो है सत्यापित और साइज करना, मतलब वही कि फॉरवर्ड करना, ये चलेगा 17 से लेकर 19 अप्रैल तक, और आज आपको मालूम है 19 तारीख है, तो ये आज आखिरी मौका है आप लोग के लेवल पे, मतलब कुछ भी जो भी करना है। उसके बाद कॉलेज के पास भी चांस नहीं रहेगा, क्योंकि वो डेटा सारा चला जाएगा PFMS सॉफ्टवेयर के पास, NIC के पास। यहाँ देखो 20 अप्रैल से ये वाला काम शुरू हो जाएगा, मतलब दोबारा से जो है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट या फिर जो करना है बाकी रह गया। अब ये तो चीज़ें हो गई, ये वाली कि 19 अप्रैल लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें। अब दूसरा चीज़ आता है स्टेटस को लेकर, स्टेटस कैसे चेक करना है, क्योंकि स्टेटस लगातार बदल रहे हैं, तो वो आप लोग कैसे देखोगे वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो स्टेटस नहीं खुल रहा है वो वाली समस्या भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए स्टेटस ओपन करने के लिए आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहले नंबर की वेबसाइट है, यहाँ UP स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा होम स्क्रीन पर ही, इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी स्टेटस वाली, जो भी आप स्टेटस जैसे चेक करना चाह रहे हो सारी यहाँ पर देखिए लाइन से दी हुई है कि पोस्ट मैट्रिक 11th 12th या पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो ज़्यादातर छात्र पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के हैं, तो फ्रेश रिन्यूअल करके आप इजीली यहाँ से लिंक जो है कि ओपन कर सकते हो। हालांकि देखो अब यहाँ पर एक समस्या ये वाली आ रही होगी आपको सामने, कई बार आ रही है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है या फिर कुछ और आ रहा होगा, जैसे एक आ रहा होगा VR सॉरी करके आ रहा होगा, तो ये सारी समस्या है क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्योंकि आपको आ रहा है और आप लोग परेशान हो रहे हो, तो इसका पूरा मैटर क्या होता है आपको बहुत लोगों को ऑलरेडी आप में से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देखो मैं बताता हूँ इसका मैटर क्या है। ये बेसिकली वेबसाइट का मैटर है, मैंने आपको बताया था कि जो है कि स्टेटस आप लोग के लगातार चेंज हो रहा है। जनरली जब स्टेटस आप लोग के चेंज होने होते हैं तो वेबसाइट में ये समस्याएं आने लगती है, कभी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, VR सॉरी आ रहा होगा या कुछ और आ रहा होगा, तो ये सारी समस्या वेबसाइट का है। आपका ऐसा परेशान नहीं होना कि सिर्फ आपका स्टेटस नहीं खुल रहा है, तो अगर कुछ भी समस्या इस तरह की आ रही है समझ लो ये सभी को आ रही है, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है, ये काम करने लग जाएगा, आज शाम से काम हो जाएगा, क्योंकि कल से नहीं हो रहा है तो कल हो सकता है अपडेट किए होंगे स्टेटस, तो आज इवनिंग में आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो लगातार आप लोग स्टेटस अपना इन्हीं जो वेबसाइट लिंक मैंने आपको बताया यहां से चेकआउट कर लेना, जब भी वेबसाइट काम करने लगेगी मैं हालांकि आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा, आप लोग चेक करते रहना, एक दूसरे को भी इन्फॉर्म कर देना जब वेबसाइट काम करने लगे, तो उम्मीद है कि इवनिंग से ये काम करने लगी। तो ये वेबसाइट का इशू है, मैंने आपको मैं ये बताना चाह रहा था। 2-3 चीज़ें और आप भी ट्राई कर सकते हो, मैंने नहीं ट्राई किया। एक तो काम कर सकते हो कि आप ब्राउजर चेंज कर सकते हो, जिस ब्राउजर में आप अभी स्टेटस खोल रहे हो उसको छोड़ के दूसरे में खोलो, और दूसरा आपके ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है और कैश होता है वो आपको क्लियर कर देना है, मतलब हिस्ट्री और जो उसका कैश मेमोरी बनी हुई है उसको क्लियर करके दोबारा ट्राई कीजिए, तो शायद आपका खुल जाए। तो तरीके थे दो जो पॉसिबल थे जो मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं OBC छात्रों वाली क्या अपडेट है उसको देखने की, और उसमें हम लोग चीजें बाकी समझते हैं। तो देखिए OBC छात्रों के लिए ये आ रही है, OBC छात्रों की छात्रवृत्ति के समाधान की मांग, ये किसने किया है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी जो है कि ये संस्था है जो स्टूडेंट की यूनिटी वाली संस्था है। इन्होंने बड़े वैलिड मांग रखे हुए हैं इसमें OBC छात्रों के लिए, और बड़ी सही चीज़ें इन्होंने मांग में रखी हुई है। देखिए कब की न्यूज़ है, आप लोग कल देख सकते हो, कल रात की 11 बजे की है, कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को समाज कल्याण अधिकारी पिछला वर्ग मुदित श्रीवास्तव से मुलाकात की, OBC छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति को लेकर वार्ता की। प्रदेश सचिव विक्रम सिंह ने कहा, मतलब जो प्रदेश सचिव हैं उसके संस्था के, उन्होंने कहा कि OBC के लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी हुई, जबकि कॉलेज से लेकर विभाग के स्तर तक उनका पूरा डॉक्यूमेंट सही, मतलब आपका पूरा फॉर्म वेरीफाइड है, पूरा डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, लेकिन विभाग ने OBC छात्रों की छात्रवृत्ति में अंकों की प्रतिशत को मुद्दा बनाकर छात्रवृत्ति को रोक लिया, मतलब कि वही है कि 65.20 इसको बना के मुद्दा और इसी को कहते हुए रोक लिया है। तो इसको लेकर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर कट कि ASFI वही स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रदेश सचिव ने कहा कि अंक प्रतिशत का सवाल सामान्य और अनुसूचित जाति दोनों में लागू नहीं, मतलब SC ST और जनरल में लागू नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी पिछड़ा वर्ग ने कहा कि अभी तक जिन OBC छात्रों का अंक प्रतिशत 65 था उनकी छात्रवृत्ति भेजी गई है, नीचे 1% वालों छात्रवृत्ति को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी, मिल नहीं पाएगी लिखा हुआ है। मतलब अब वही चीज़ है आपको, हालांकि मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, और दोबारा इन्होंने देखो जो समाज कल्याण अधिकारी उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि अगर आप OBC कैटेगरी के छात्रों 65 से कम है तो आपको अब छात्रवृत्ति बिल्कुल मिलेगी नहीं, कोई चांस नहीं है। यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई में लिख भी दिया है, पढ़ भी पा रहे हो आप लोग, कि उन्होंने क्या बोला कि जिन OBC छात्रों का प्रतिशत 65 था उनको भेज दिया गया, जिनकी इसके नीचे 1% है उनको नहीं मिल पाएगी, मतलब उनको नहीं मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। सचिव का कहना है कि इसका न कोई शासन से आदेश है, न ही पोर्टल पर फॉर्म भरते समय इसका कोई जिक्र किया गया है, इस तरह से लाखों छात्रों की छात्रवृत्ति की आधार में डाल दी गई। छात्र संगठन के लोग इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे, DM से मुलाकात करेंगे, तो वही मैटर है कि बात यही है कि अगर नियम बनाया गया आपने तो सारा सबके लिए बनाना था, सिर्फ OBC के लिए नहीं बनाना था, वही इनका भी जो सचिव है उनका भी यही सवाल है। तो बड़ा ही वैलिड रीजन था इनका। अब देखो इसमें क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट तो दूंगा ही, लेकिन हालांकि अब उम्मीदें कम होती जा रही हैं, तो जिनकी भी छात्रवृत्ति आनी थी
31 मार्च तक आ गई, उसके बाद बहुत कम लोगों की आएगी। अब आप लोग एक और यहाँ पे समस्या आ रही होगी, एक सवाल आ रहा है आपके दिमाग में, वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। एक तो आ रहा होगा कि सर आपने बोला था कि 75% मतलब वालों की जो है कि बोला गया था 65.20 के ऊपर और 75 के ऊपर वालों की छात्रवृत्ति अभी भेजी जाएगी, तो ये मैंने नहीं बोला था, ये इन्हीं की तरफ से समाज कल्याण तरफ से रिप्लाई आया था कि 25 अप्रैल तक जो है कि भेज देंगे जिनका इस मेरिट के ऊपर है, लेकिन अभी तक उस बारे में भी कोई अपडेट नहीं आई है। तो देखो उम्मीद रखते हैं 25 तक, अभी तो आज 19 हो गया है, 5-6 दिन और बचे हैं, अब उम्मीद कम होती जा रही छात्रवृत्ति आने की, सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी की छात्रवृत्ति आएगी, जिनके लिए ये आप लोग पूरा देख रहे हो, ये जारी किया गया है, पूरा जो आप लोग देख रहे हो ये सारा चीज सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए जारी किया गया, OBC जनरल माइनॉरिटी इनके लिए नहीं है ये सारी चीज़ें। तो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, स्टेटस वाला जो मैंने बता दिया क्यों नहीं खुल रहा है, वी आर सॉरी जो भी आ रहा है आपका, वो वेबसाइट का इशू जनरली वो आता है कि जब आपका स्टेटस पे काम चल रहा होता, अपडेट हो रहा था तो आता है, पर उम्मीद है आज इवनिंग तक वो मतलब क्लियर हो जाएगा। और ये नहीं सोचना आपको कि आपके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, सभी के साथ हो रहा है, मतलब वेबसाइट का इशू है, जनरल इशू है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ 19 अप्रैल है, ये बात जरूर आप लोग ध्यान रख लेना, जो भी SC ST कैटेगरी छात्र हैं एक बार अपने कॉलेज में जाओ, अगर आपने अब तक नहीं अपना संपर्क कराया पर कुछ भी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वो क्लियर कर देता हूँ कि इसमें चार चीज़ों के लिए पोर्टल खोला गया है, वो चार चीज़ें कौन सी हैं। पहला तो ये आपका मान लो अगर सत्यापित नहीं है, सत्यापित के कारण अफिलेटिंग एजेंसी कारण रिजेक्ट हुआ है तो, और दूसरा कारण है कि आपका PFMS से कुछ भी पेंडिंग दिखा के मतलब बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया, बैंक से आपका आधार सीडिंग नहीं था उसके कारण रिजेक्ट हुआ। दो, तीसरा कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, मार्क्स मिसमैच था, ये सारी चीज़ें थी तो उसके कारण, और चौथा फिर से वही था कि जो आपका फॉर्म कॉलेज ने अगर फॉरवर्ड नहीं किया हो। ये चार कारणों की वजह से अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपके लिए पोर्टल मतलब आप काम करा सकते हो। अब क्या क्या करा सकते हो, सत्यापित नहीं वाले में आपको कुछ नहीं करना है, आपका कॉलेज देखेगा। PFMS वाले मैटर में आपको NPCI मैपिंग बैंक जाके करा लेनी है प्रॉपर, आपको DBT इनेबल करा लेना है, तब आप सेफ हो जाओगे, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करना है। तीसरा काम रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर रिजल्ट आ गया है तो आपको अपडेट करना होगा, अभी करेक्शन का पोर्टल तो नहीं खुला है, कॉलेज से एक बार बात कर लेना। और चौथा कि फॉरवर्ड अगर आपका नहीं हुआ तो आप कॉलेज से बात करो, वो लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो चारों चीजें थे और उसमें आप क्या कर सकते हो मैंने आपको जो है कि समरी इसका बता दिया। तो चलिए गाइस इस वाली वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इतनी मेहनत करता हूं, सो वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।